आहा, आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि आज हम काट रहे हैं हमारे बाल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इस फास्ट ग्रोइंग हेयर के सीक्रेट्स मैं बताऊंगा आपको, और एंड में हमारी फ्रेंड निकिता जी भी हमें ज्वाइन करेंगी। ओ सॉरी, ये है हेयर स्पेशल व्लॉग, होप यू गाइस एंजॉय। बालों को लेकर एक बहुत स्पेशल इंसान आज हमारे साथ है, ताज भाई। आ जाओ ताज भाई, हमारे बाल काटते हैं नॉर्मली। वाह ताज, कुछ बताओ कि जवाब मेरे बाल काट रहे हो स्पेसिफिकली, आप हमेशा क्या करते हो? बाल हेयरकट करते हैं, छोटे करते हैं। मतलब कभी कोई आपको बोलना भी नहीं पड़ता कि मेरे को क्या चाहिए, आपको पता है? मेरे को अच्छा लगता है वो बेटा भाई। ओके ताज भाई, स्टार्ट कर लो फिर आपसे बातें करते हैं। आपके बाल जल्दी बढ़ कैसे जाते हैं? पता नहीं यार, आपसे भी हर हफ्ते मिलता हूँ। आई फील कि जो शैम्पू मैं अभी 2-3 साल से यूज़ कर रहा हूँ ना, वो एकदम नेचुरल टाइप शैम्पू है। इसका नाम है वाओ, वाओ प्रोडक्ट्स। अच्छा हाँ, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ मतलब कंडीशनर शैम्पू मैं पूरा ख्याल रखता हूँ, तेल वेल भी डालता हूँ बाल में। ओके भाई, अभी आप वो फेड कर रहे हो, अभी स्टार्ट करें? हाँ नॉर्मली पहले पता है मैं क्या करता था, ये मशीन पे ना मैं बोलता था कि 0 नंबर लगा दो और फिर यहाँ से चकला जाता है। हाँ तो मेरा पुराना हेयर कट बहुत अलग होता था, ये पहले स्टाइल हुआ करता था 2005 में। मैंने 2012 तक ये स्टाइल कैरी किया, बज कट। एक बार ना मतलब मैं किधर गया था, एक सैलून में, वहाँ एक मशीन से कुछ फटा ऐसा फू करके बाल काट दे, मैं उठ के भागा। शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। हाँ इसका मशीन का कि इसके दिमाग का? मशीन का। यू नो करेंटली आई लुक लाइक फीनियस एंड फर्ब देकर। ये जो अभी ताज भाई करे इसको लेवलिंग कहते हैं, ये मेरे बालों के लिए बहुत क्रूशियल रहता है। तो बेसिकली नीचे क्या बोलते हैं वो मशीन यूज़ की है, ऊपर स्पाइक्स की कट देंगे, बट उसके जो बीच में जो जंक्शन रहता है वो एकदम सडन जंक्शन नहीं हो सकता, वो जेंटल जंक्शन होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो बकरी के बीचों बीच हेयर कट हो रही है, और ये भी हेयर कट का एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप होता है, इसे कहते हैं ऊपर से स्पाइक्स कर दो। आई थिंक मोस्टली हर बंदे को स्पाइक सूट करते हैं, हर इंडियन बंदे को स्पाइक सूट करता है ना, जिसके बाल करने होते हैं उसके सूट करते हैं, और अगर स्ट्रेट उसको स्पाइक आए वो भी है। बस सच में लाइक अगर आपको एक हेयर ड्रेसर मिल गया जो इंटुइटिवली आपके बालों को जानता ना, बस बस मतलब योर लाइफ इज सेट। ताज भाई से बात करनी है तो ईमेल कर दो, बॉम्बे में है वडाला माटुंगा सायन दादर एरिया में। अगर आपको भी बाल काटने हैं यहाँ मत आके काटो प्लीज़। खुद के घर पे काटो, ताज भाई आ जाएंगे। मेरी मम्मी बहुत खुश होगी आज। अरे बहुत मस्त काटा है यार, देखो क्रेजी क्रेजी। ताज भाई थैंक यू यार, क्रेजी। ताज भाई कुछ बताओ, अभी इनके फेस कट और हेयर को देख के आपके दिमाग में क्या चलता है? तो क्या आप ऐसा रखने वाले हैं? क्यों नहीं, पूरा प्रोफेशनल वाइब आ चुका है ऑफिस में, आपकी भी वाइब काफी प्रोफेशनल बन चुकी है। हेयर केयर रूटीन की शुरुआत होती है हमेशा तेलू से। ये है वाओ का 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल, बीन यूजिंग इट नाउ फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इसके ऑयल्स की बात की जाए ना, आपको हमेशा ऑयल्स मिक्स करते रहना चाहिए, क्योंकि अलग अलग ऑयल्स से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। बेसिकली ऑयल के 3 फायदे, इट हेल्प्स इन वॉशिंग ऑफ वैक्स, इट हेल्प्स इन नरिशिंग स्कैल्प, एंड इट फील्स लाइक अ स्कल ऑर्गेज्म। कैसे दिन आ गए दोस्तों, मैं बस नहाने जा रहा हूँ, आपको हेयर केयर रूटीन दिखा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ आ रहे मिर्चू बॉयज। ये हमने लिया कंडीशनर, ये हमने लिया शैम्पू। तो दोस्तों बेसिकली हेयर केयर रूटीन के टाइम पे पहले आम इंसान की तरह आपको बाल गीले करते हैं, थोड़ा सा वो ऑयल वॉश ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों पहले हम यूज करेंगे ये एप्पल साइडर शैम्पू। शैम्पू में भी बहुत ज्यादा सल्फेट्स होते हैं, पैराबेंस होते हैं, नेचुरल शैम्पू यूज किया करो, बाल कम झड़ेंगे थ्रू नेचुरल शैम्पू यूजेज। अगर आप हमारे पुराने ग्रूमिंग के वीडियोस भी देखोगे तभी मैं वाव यूज करता था, आज भी वाव यूज करता हूँ, बहुत मस्त स्मेल वाला है।
पता है एक WWE रेसलर हुआ करता था, आई थिंक हिज नेम वाज बिग वैल बाउस्की, वो ना ऐसा रिंग में आके ऐसा सब करता था। तो शैम्पू करने के बाद जब बाल थोड़े से ड्राई है, नरम है, तब आपको कंडीशनर लगाना चाहिए। बालों की बॉडी पर लगाया करो थोड़ा, और फिर जस्ट वेट फॉर लाइक 5 minutes later पानी के साथ वॉश ऑफ कीजिए। और ये हो गया हमारा हेयर केयर रूटीन। दोस्तों ये है एक बोनस सेक्शन हमारे हेयर केयर के वीडियो में, हेयर स्टाइलिंग के वीडियो में। अभी हमारे साथ है बिग ब्रेन को की क्वीन निकिता पवार जी। निकिता पवार जी, इस वीडियो में आपका पर्पस है एक गर्ल्स पर्सपेक्टिव ऑन मेंस हेयर देने को। ओके, आपको लगता है लड़कियां नॉर्मली हेयर स्टाइल नोटिस करती? बहुत लिटिल, आई थिंक लड़कियां ओवरऑल देखती है, बट देन इट लाइक प्लेज अ पार्ट। तो निकिता जी, आप सेलिब्रिटीज के हेयर स्टाइल्स रेफरेंस कर सकते हो, किसके हेयर स्टाइल्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मल्टीपल शाहरुख फोटोज, विच वन इज योर फेवरेट, लाइक योर पर्सनल फेवरेट एंड व्हाई इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल? ओके, आई थिंक द फर्स्ट वन, द वन वेयर ही इज लाइक यू नो स्लिक बैक एंड एवरीथिंग, या आई थिंक ही लुक्स वेरी हैंडसम, वेरी स्मार्ट। आई थिंक हाउ यू कीप योरसेल्फ, लाइक हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ सेज अ लॉट अबाउट you, how you are, your personality, like you care about the way you look, and that says a lot about you. So, Shahid Kapoor ki sabse favorite haircut kaun se aap, according to you? Natural, this one. Kyun? Yeah, it's just like perfect. It's like medium hair, not too short, not too long. It's perfect. Akshay Kumar hairstyle? he has a very army cut hairstyle, always, but it suits him. What about, you don't like this 90s? They say 90s styles are coming back. Absolutely not. I hope it does not come back. तो बहुत सारे लड़कों को, कॉलेज गोइंग लड़कों को या 20s के लड़कों को, बेसिकली सब लड़कों को हेयर लॉस की बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा। जिन लड़कों को बॉल्डिंग हो रही है या जिनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है, तो उनके लिए आपकी कोई मैसेज है? Honestly, people, there are some people who can actually pull off like a bald look. Like if you've seen Zinedine Zidane, Vin Diesel, he can like totally pull it off. आपको लगता है attitude के ऊपर होता है? हाँ, definitely. Yeah. More than how you look, it's about attitude. Yeah, and the confidence that comes along. ये तो I feel Sunny Deol can't pull off a bald look. क्योंकि वो शायद baldness को लेकर confident नहीं है. I don't think he is he actually bald. अरे जैसा character. Oh sorry. क्या बोल रहा है यार, क्या बोल? मेरी शनाख्त करने से पहले तो अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। निकिता जी हमारी बिग ब्रेन को की क्वीन है। जिस तरह जरवान बंशा हमारे वीडियोस में रो के चले जाते हैं, उसी तरह निकिता स्वैग डालकर चली जाते हैं हमारे वीडियोस में। निकिता जी, मैं मजाक उड़ाया जाता है, बाय द वे, डू यू विश टू बिकम सेक्सी? ओह माय गॉड, डू यू विश टू बिकम सेक्सी? बट ओवरऑल आपको इनके बिग ब्रेन को के वीडियोस देखने चाहिए। स्टॉक मार्केट पे वीडियोस बनाए, और क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं? फैशन, फिटनेस एंड फाइनेंस, या क्रेजी। तो निकिता जी, अपने स्वैग वाली एनपी वाली वाइब में बोलो सब्सक्राइब गाइस। सब्सक्राइब टू द रणवीर अलाबादिया व्लॉग चैनल। This is where all the inside scenes happen to the big brain, level up, beer biceps, the entire thing, and I don't think I'm gonna get this content anywhere else. So subscribe.